अच्छे कार्य करने वालों को मिला पुरस्कार। अन्य को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक रूप से दिए गए पुरस्कार। दमोह सिटी कोतवाली के टीआई विजय सिंह राजपूत ने स्टाफ को दी शाबाशी पुरस्कृत किया। नमस्कार और समाचार विस्तार से। अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया गया है, उनका सम्मान किया गया है, सार्वजनिक रूप से सम्मान है ये। और ये सम्मान प्राप्त करके जहां जिनको सम्मान मिला है वह अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं यह एक प्रेरणा पुंज बन रहा है उन लोगों के लिए जो कार्य करके ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत ने ये सब कुछ किया है। उन्होंने जो अच्छा कार्य करते हैं स्टाफ के, जिनको कोई कार्य सौंपा जाता है और उनको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कार्य को अंजाम तक पहुंचा देते हैं, समय सीमा में पहुंचा देते हैं, उनको पुरस्कृत किया गया है। साथ में उन लोगों को भी जो अन्य स्टाफ के लोग हैं उनको समझाया गया है कि आपका व्यवहार शालीन होना चाहिए। अगर थाने में कोई व्यक्ति आता है तो उससे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनसे आप नम्र भाषा में बात करें, उनकी समस्या को सुनें, समस्या का निराकरण करने के लिए जो आवश्यक हो वह करें, और अगर कोई स्थिति बनती है तो उच्च अधिकारियों तक इसकी सूचना पहुंचाएं, परंतु वाणी पर संयम रखें। अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपको पुरस्कृत करेंगे। और इसी विषय को लेकर उन्होंने सभी को, जो ऐसे लोग चुने हुए थे, उनको पुरस्कृत किया है। इस विषय को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं, लोगों में ये चर्चा है कि अच्छा कार्य करेंगे तो देखिए सार्वजनिक रूप से पुरस्कार मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, और अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो फिर डांट भी पड़ेगी। समझाइश भी दी है और प्रोत्साहित भी किया है विजय सिंह राजपूत ने। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला। आज जैसा कि थाना कोतवाली में सुबह और शाम दो टाइम गणना होती है और जो स्टाफ रहता है उसको निर्देशित किया जाता है, इसी के तारतम्य में आज शाम को 5:30-6 के बीच में गणना के दौरान सभी स्टाफ को ये निर्देश दिए गए मेरे द्वारा कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर थाने में आता है तो कभी कभी कुछ पुलिस वालों के द्वारा उनसे कुछ ऐसे कुछ अभद्र भाषा का उपयोग हो जाता है। तो मेरे द्वारा उनको बताया गया कि जो भी आमजन है अगर रिपोर्ट के लिए आते हैं तो उनसे
बहुत अच्छे से अपना व्यवहार रखेंगे। एवं इसके साथ ही थाना कोतवाली में जैसा कि करीब 100 का स्टाफ है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम पूरी जिम्मेदारी और लगन से करते हैं। यदि उनको कोई काम अगर एक बार दे दिया जाता है तो उसके बाद उसको उस काम के लिए उनको द्वारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूरी मेहनत से काम करते हैं। तो उन लोगों को मेरे द्वारा आज पुरस्कृत भी किया गया है। और पुरस्कृत करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये केवल थाने में आने के बाद या कहीं भी किसी भी कार्यालय में ऐसे लोग होते हैं जो घड़ी का कांटा देखते हैं कि टाइम कितने बजे से कितने बजे कब उनकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, या जो काम लोड समझ के काम करते हैं। तो उनकी इस छोटी मानसिकता को दूर करने के लिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि पुरस्कृत किए जाने में पुरस्कृत जो राशि है वो मायने नहीं रखती है, मेन ये है कि उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया, उसका सम्मान किया गया, वो है। तो ये जो प्रमुख उद्देश्य है, करीब 4-5 लोगों को मेरे द्वारा सम्मानित किया गया ताकि और भी जो स्टाफ है उनमें ये भावना जो लगन से और मेहनत से काम करने की भावना बढ़े, इसलिए मैंने उनको प्रस्तुत किया।